दोस्तों, अगर आप एक बिजनेसमैन हैं या फिर अगर आप एक स्टार्टअप चलाते हैं तो आप जीएसटी का इस्तेमाल तो जरूर करते होंगे। तो ये वीडियो आपके लिए है क्योंकि अभी हाल ही में दिसंबर में जीएसटी की काउंसिल मीटिंग हुई जिसमें बहुत सारे चेंजेस जीएसटी में प्रपोज किए गए हैं। इट इज व्हाट हैज बीन इशूड, इन फैक्ट दैट गिव्स मी एन अपॉर्चुनिटी टू एक्सप्लेन एंड पुट फोर्थ वन थिंग राइट एट फ्रंट। इन दिस काउंसिल मीटिंग देयर हैज नॉट बीन एनी टैक्स इंक्रीज। अब वो चेंजेस आपके बिजनेस के लिए अच्छे हैं या बुरे हैं, इस बारे में ज़्यादा जानकारी के लिए और डिटेल में जानकारी के लिए हमारे साथ मानस अग्रवाल जी हैं जो कि जीएसटी कंसल्टेंट हैं कोलकाता में। आइए उनसे जानते हैं कि सबसे पहले जो चेंजेस प्रपोज किए गए हैं जीएसटी काउंसिल मीटिंग में वो कौन कौन से हैं और वो व्यापारी के लिए अच्छे हैं कि नहीं। मानस जी, आपका स्वागत है हमारे आज के वीडियो में। तो सबसे पहले ये बताइए कि जो चेंजेस आए हैं, इस प्रपोज किए गए इस मीटिंग में, वो कौन कौन से हैं और वो व्यापारियों के लिए अच्छे हैं या नहीं, हमें बताइए। आप जैसा आप जानते हैं, 17 दिसंबर 2022 को 48वां जीएसटी काउंसिल मीटिंग हुआ। इसमें 20 से ज़्यादा अमेंडमेंट्स और जीएसटी प्रपोजल्स आए हैं। अच्छी बात यह है कि अधिकतर जो प्रपोजल्स हैं वो व्यापारियों के हित के लिए है। कुछ एक सरकार ने अपनी सुविधा, अपने टैक्स की सुरक्षा के लिए और रिवेन्यू की सुरक्षा के लिए भी कुछ प्रावधान लाए हैं। तो कुल मिला के जीएसटी काउंसिल की मीटिंग बहुत अच्छी थी। दिस मीटिंग, इफ देयर इज अ वन डोमिनेंट फीचर, इट इज ऑन वेरी मैनी सच इशूज वे वी शूड क्लैरिफिकेशंस। इसमें से कुछ एक रिमार्केबल जो पॉइंट्स है जो मैं आपके संग में शेयर करना चाहूँगा, उनमें से है सबसे पहला कि जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं है और वो लोग एक्सपोर्ट थोड़ा बहुत करते हैं, उनको जीएसटी का पैसा नहीं मिलता, उस रिफंड का प्रोविज़न लोगों ने लेके आया है। सेकेंड है, कुछ समय पहले एक अमेंडमेंट आया था कि आपका रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी जो है वो अगर आपने रेंट पर दी हुई है तो उसके ऊपर में जीएसटी लगेगा। इस पर सरकार ने क्लेरिफिकेशन इसमें दिया है कि अगर वो प्रॉपर्टी आपने दी है वो पर्सनल यूज़ में आ रही है, फॉर नॉन बिजनेस के लिए अगर यूज़ में है तो उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। जीएसटी सिर्फ उन्हीं प्रॉपर्टी के रेंट पे लगेगा जिसमें बिजनेस हो रहा है, कमर्शियल एक्टिविटी के लिए आपने दी गई है। इसके अलावा और भी बहुत सारे प्रोविजन आए हैं, मैं आपको एक एक करके बताइए। हाँ, जैसे कि पेनल्टी इन्होंने कम किया है। पहले 150-200% तक की पेनल्टियाँ थी, उसको रिड्यूस करके 100% तक किया है मैक्सिमम। और अनरजिस्टर्ड डीलर्स के लिए पहले प्रॉब्लम था कि वो अपने स्टेट के बाहर माल नहीं बेच पाते थे एक सर्टेन लिमिट के बाद में, सरकार ने उसमें भी रियायत दी है। अ मेजर डिसीजन वाज टेकन टुडे फॉर टू फैसिलिटेट ई कॉमर्स फॉर माइक्रो एंटरप्राइजेज। यू वुड बी अवेयर इन द लास्ट मीटिंग, 47th जीएसटी काउंसिल मीटिंग, काउंसिल हैड डिसाइडेड टू एक्सटेंड टू अलाउ द ई कॉमर्स ऑपरेटर्स टू सप्लाई द अनरजिस्टर्ड द प्रोडक्ट्स ऑफ अनरजिस्टर्ड वेंडर्स डीलर्स एज वेल एज कंपोजिशन टैक्स पेयर्स। ये ई कॉमर्स के लिए पे जो लोग प्लेटफॉर्म पे जो बेचते हैं उनके लिए बहुत अच्छी शुरुआत है, और आप यहाँ से बैठ के भी अपने ऑल ओवर इंडिया में अपने माल बेच सकते हैं, और आप एक्सपोर्ट करते हैं तो आपको रिफंड भी मिलेगा। तो ये दोनों चीज़ों को क्लब करके उन्होंने बहुत अच्छा एक प्रावधान दिया है। ITC डिस्प्यूट के लेकर के बहुत सारी उलझने थी, सरकार ने उसका भी समाधान निकालने की कोशिश की है। बहुत जल्दी अमेंडमेंट आएगा पोर्टल पर कि आप पुरानी ITC जो आप लोगों को जेन्युइन तरीके से मिलनी चाहिए थी पर कोई मैकेनिज्म नहीं होने के कारण आप भी नहीं ले पा रहे थे और अधिकारी भी आपको नहीं दे पा रहे थे, तो उसके लिए एक प्रावधान किया गया है। तो उसमें आपको शुरुआत से लेकर अभी तक की जितनी भी थी एक टाइम लिमिट के अंदर में वो आपको ITC मिल जाएगी। जी, इसके अलावा कुछ बताना चाहेंगे प्रपोज में कुछ ऐसा है जो व्यापारियों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है? जैसे अभी एक असेसमेंट चल रहा है जो अभी एकदम रिसेंट करंट है कि पुराने सालों के असेसमेंट शुरू हो गए हैं। 2017 से जो GST लगा है, अमेंडमेंट शुरू हो गए, असेसमेंट शुरू हो गए हैं। तो उस असेसमेंट में GST 2A के हिसाब से अधिकारी असेसमेंट कर रहे थे, क्योंकि असेसमेंट का जो प्रावधान बताया गया था उनको वो फॉलो कर रहे थे। और आपको पता होगा कि पहले 2 साल, और व्यापारियों को भी कम से कम इतना तो पता ही है कि पहले 2 साल 2A को प्रोविज़न नहीं दिया गया था। ईज ऑफ बिजनेस के लिए 2A को 1 अक्टूबर से अप्लीकेबल किया गया था। तो उस समय लोगों के पास में 2A का कोई रिकॉर्ड नहीं है, डाटा नहीं है, और जो रिटर्न में इनपुट लिया गया है वो अपने बुक्स ऑफ अकाउंट के हिसाब से लिया गया। तो सरकार ने उसके ऊपर में प्रपोजल दिया है कि जो नियम जिस समय एप्लीकेबल था उसी के हिसाब से असेसमेंट किया जाए। अगर कोई व्यापारी इनपुट लिया है और उसके पास प्रॉपर टैक्स इनवॉइस है और सपोर्टिंग में सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, उसने टाइमली पेमेंट किया है, तो उसको उसका क्रेडिट मिले, इस तरह का प्रावधान दिया गया है। तो जो GST है वो कुछ आसान होने वाला है व्यापारियों के लिए नए साल में, ये क्या हम कह सकते हैं? नहीं, ऐसा हम नहीं कह सकते कि बहुत ज़्यादा आसान होने वाला है। सरकार कोशिश कर रही है लेकिन इसमें पेचीदा बहुत है।
आपके हाथ में सिर्फ अपना सेल लगाना है, परचेज आपके हाथ में नहीं है। परचेज का इनपुट आपको तभी मिलेगा जब सामने वाला अपना सेल डिक्लेयर करेगा। मेरी ये सरकार से गुजारिश रहेगी कि पोर्टल में एक ऑप्शन है टैक्स इनवॉइस अपलोडेड बाय रिसीवर, आपको अगर इनपुट कोई पार्टी का छूट गया है, किसी ने कोई भूल गया है या किसी ने अपना रिटर्न नहीं लगाया है, तो वो हमारे पास में अधिकार होना चाहिए कि हम उसको डिक्लेयर करके मैंने ये परचेस किया था, सामने वाले ने इसको भी डिक्लेयर नहीं किया है, तो जो मेरे से ऑलरेडी टैक्स कलेक्ट कर चुका है मुझे वो दोबारा ना देना पड़े जी। और कुछ बहुत बड़ी ऐसी कुछ परेशानियां हैं जो जैसे जो प्रपोजल मीटिंग आया है, कुछ परेशानी क्या होने वाले बिजनेसमैन को इससे कि सब स्मूथ चलेगा जैसा है और अच्छा ही होगा आगे जाके? नहीं, इसमें बहुत सारी प्रावधान अच्छे किए गए हैं। पहले आपका क्रिमिनल प्रोसीजर 1 करोड़ रुपए के टैक्स इवेजन पे था, जिसको बढ़ा के 2 करोड़ रुपए किया गया है, और कुछ एक जगह पे ITC के लिए रिस्ट्रिक्शन किया गया है, वो सरकार की तरफ से ज़रूरी भी है लेकिन व्यापारियों के लिए चिंता का विषय है। अब आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा आप जिसे खरीद रहे हैं उसकी गुणवत्ता कितनी है, वो कितना रिटर्न वगैरह टाइमली लगाता है, तो आपको पहले चेक कर लेना चाहिए पोर्टल पे। एक बड़ी मजबूरी जो आज की डेट में चल रही है वो ये है कि ITC वेरिफिकेशन, तो व्यापारियों के हाथ में सिर्फ अपना 2A देखने का अधिकार है, उसके नीचे वो नहीं देख सकता कि मैंने जिससे परचेस किया है उसने जेन्युइन परचेस किया है कि नहीं किया है। ये 2 साल 3 साल बाद पता लगता है कि मैंने जिससे परचेस किया था उसने या उसके नीचे वाले ने या और किसी और नीचे वाले ने कोई फेक इनवॉइस इशू किया है, तो उसका अल्टीमेट दंड भुगतना पड़ता है जो सही व्यापारी है। जो कल्प्रिट है वो बच के निकल जा रहे हैं क्योंकि उनका पता ही नहीं मिलता, तो सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। और रिसेंटली एक नया अमेंडमेंट आया है स्पेशली वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट में, आपको ये बता दूं कि स्टेट गवर्नमेंट के भी GST काउंसिल ने कुछ पावर दे रखे हैं कि वो अपने तरफ से एक्स्ट्रा सावधानी के लिए कुछ प्रोविजंस कर सकते हैं, तो रजिस्ट्रेशन में वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट फिजिकल वेरिफिकेशन प्राय कंपलसरी करती है, वो कोई भी रजिस्ट्रेशन बिना फिजिकल वेरिफिकेशन के अब नहीं दे रही है। इससे कम से कम आने वाले समय में ये फेक इन्वॉइस वाला जो इशू है ये बहुत हद तक सुधरने का संभावना है। और एक बार फिजिकल वेरिफिकेशन होने के बाद में 3 साल बाद अधिकारी भी ये नहीं कह सकते कि 3 साल पहले वो बंदा का एग्जिस्टेंस ही नहीं था, आपने रजिस्ट्रेशन तो देख के ही दिया था। तो दोस्तों ये मानस जी थे जिन्होंने काफ़ी जो प्रपोजल्स आए हैं काउंसिल मीटिंग उसके बारे में आपको बताया और क्या प्रॉब्लम्स जो बिजनेसमैन फेस कर रहे हैं उसके बारे में आपको बताया। और अगर आप एक बिजनेसमैन हैं या फिर स्टार्टअप चलाते हैं या किसी तरह के बिजनेस करते हैं और आप मानस जी से और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं जो GST में नए प्रपोजल्स हैं उसके बारे, या आप कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं और मानस जी से GST उसका सॉल्यूशन चाहते हैं, तो वो भी मानस जी आपको देंगे। उनका नंबर हमारी स्क्रीन पर दिया जा रहा है और उनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और इसके बावजूद अगर आप कोई स्टार्टअप करते हैं या बिजनेस करते हैं और आप चाहते हैं कि हम आपका वीडियो बनाएं, तो वो हम कर रहे हैं, हमारा नंबर स्क्रीन के दिया जा रहा है। और ये वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और एक कमेंट जरूर करना ताकि मुझे ये पता चले कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा। बाकी मानस जी का नंबर दिया गया, आप GST के बारे में कुछ भी इनसे बात कर सकते हैं। धन्यवाद मानस जी, और मुझे उम्मीद है कि लोगों को इससे बहुत फायदा होगा।